ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्टल्स रोते नहीं हैं, क्योंकि टर्टल्स बहुत रोते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वे अपसेट रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि टर्टल्स के शरीर में एक ग्लैंड होता है जो उसके शरीर से एक्सेस सॉल्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, और यही एक्सेसिव सॉल्ट उसके आँखों के जरिए पानी बन के निकलता है, और ऐसा लगता जैसे टर्टल्स बहुत रो रहे हैं, पर एक्चुअल में वो खुद का ही टेक केयर करते हैं। टर्टल्स के कान नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टर्टल्स सुन नहीं सके, क्योंकि टर्टल्स के कान उसके शरीर के बाहर नहीं, उसके शरीर के भीतर होता है। टर्टल्स के कान के ऊपर में स्किन कवर से ढका हुआ रहता है, और वे वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं और बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी साउंड को भी सुन सकते हैं। ऑक्टोपस जो पूरी दुनिया में ऐसा जीव है जिसके 3 हर्ट होते हैं, जिसमें 2 हर्ट उसके ब्लड को पंप करने में मदद करता है और तीसरा ब्लड सर्कुलेशन करने में मदद करता है, और तो और इसके 9 ब्रेन्स और ब्लू ब्लड भी होता है। वैसे तो बैरोसोरस एक बहुत बड़े डायनासोर था जिसके 8 हर्ट होते थे। क्या शार्क डॉल्फिन से डरता है? ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, पर हाँ, शार्क डॉल्फिन से बहुत डरता है। डॉल्फिन अगर चाहे तो शार्क को मार भी सकती है, क्योंकि जब भी शार्क डॉल्फिन के बच्चे के तरफ आने की कोशिश करते हैं, तब डॉल्फिन उस शार्क का पीछा बहुत तेजी से करते हैं, और मौका मिलते ही डॉल्फिन शार्क के ऊपर बहुत तेजी से वार करती है, और ये वार शार्क बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और जिस वजह से शार्क वहीं पे दम तोड़ देती है। इस वजह से शार्क डॉल्फिन से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। हमारे आँखों के पलके बाहर की धूल मिट्टी से बचाता है, मगर आप क्या जानते हैं, शार्क के भी आईलिड्स होता है, पर ये ब्लिंक नहीं करता है, क्योंकि समुंदर के पानी से ही उसके आँखें साफ हो जाते हैं। बहुत से शार्क के आई सॉकेट में ही मेम्ब्रेन होता है जो इसके आँखों को प्रोटेक्ट करके रखता है, पर जब भी ये दूसरे किसी मछलियों को शिकार बनाते हैं तब इसका खुद आँख बंद हो जाता है। कुछ ऐसे भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं जिनके शरीर में खून नहीं होता है, जैसे जेलीफिश, कोरल और सी एनिमल्स के ब्लड नहीं होते हैं। ये सारे जीव पानी से डायरेक्ट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेते हैं। क्या आपको मालूम है कि किलर वेल्स, ये एक्चुअल में वेल नहीं बल्कि डॉल्फिन है। डॉल्फिन पानी के भीतर 15 मिनट तक बिना सांस लिए हुए रह सकते हैं। डॉल्फिन के ब्लड फ्लो और हार्ट रेट काफी स्लो होता है, जिस वजह से उसका शरीर एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों को बचा के रख लेता है, और इस वजह से वो बहुत देर तक बिना सांस लिए हुए भी रह सकता है। डॉल्फिन इस वजह से सो नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो सोता है तो उससे स्लीपिंग टाइम में भी 8 से 10 मिनट के फ्रीक्वेंटली में जंप करना कंपलसरी हो जाता है। डॉल्फिन जब भी सोता है तो ये आधे दिमाग से ही सो सकता है। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।